maybe it's trend show related, like as bridal you look out the outfit you come out there. Yeah, no plates for you. Yes, sir. इस outfit के बारे में काफी जबरदस्त आकर्षण. अच्छा ये outfit मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है? ये क्योंकि लोग अपने गहरे यू नो घाघरे को पहनते नहीं है फिर से, तो एक सिंपल घाघरा अंदर बनाया है. एंड आई लव स्कर्ट्स, सो दिस इज ब्यूटीफुल, यू कैन वेयर दिस आफ्टरवर्ड्स. और ये इसका जो हैवी पोर्शन है वो वेडिंग के लिए, सो आई लव इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल कलर. पिंक इज अ गर्ल्स कलर, जस्ट डिफाइंस हर. आई थिंक मैं मुझे एक्चुअली एमी को थैंक यू बोलना है क्योंकि सलिल और मैं कभी भी एक साथ ऐसे आगे नहीं आए. So he keeps coming on screen, but I haven't done this. So I'm very happy. And Salil बहुत ही ज़्यादा handsome लग रहा था. And I thought two of us together, अभी radio के सुनने वालों के लिए एक चेहरा मिल जाएगा जहाँ पे भी ये photo जहाँ पे भी आएगी. Thank you so much. And I loved. Obviously, actually जब jewelry इतनी खूबसूरत हो, ये भाई बहन की जोड़ी amazing है यार. मतलब एक तरफ एक बहुत खूबसूरत कपड़े बना रहे हैं और दूसरी तरफ टू कॉम्प्लीमेंट हर क्लोथ्स द ब्रदर्स वर्किंग विथ हर, ऐसी जोड़ी मैंने बहुत कम देखी है. सो आई थैंक देम. एंड ऑफ कोर्स द फीलिंग ऑफ वेडिंग सीजन अभी आ रहा है और वैसे ही अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो एक फीमेल पावर जो मैंने इस फैशन शो के दौरान, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम लड़कियाँ हैं. एमी आई लव यू फॉर हायरिंग ओनली लेडीज, ऑल द चिक्स देयर अ फैंटास्टिक जॉब विद द मेकअप. And the girls with the hair as well. So I think ये एक femme power. और हाँ, दुल्हन बनने की अभी इच्छा हो रही है, तो I think मैं जल्दी सोचूंगी. Thank you so much. Bye. I think Ami has done a splendid job. She's made a lovely wedding collection, and well, I'm happy to be part of the show. Pura London to Makda. I think gold is something that is everyone's favorite, or dol mein sone di. So that's what this outfit is all about. It's all gold, all finery, and I think Ami has this as her showstopper for that reason. मैं चली गई 25 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी. सो इट वॉज रेमिनिसिंग अबाउट द पास्ट. थैंक यू. इट्स फैंटास्टिक शो रियली, आई लव इट अ लॉट. एंड ऑल दिस प्रेजेंटेशन ब्यूटीफुल, लाइक ड्रेस एंड एवरीथिंग, ब्यूटीफुल क्राउड, फैंटास्टिक डिजाइनर. Still, I'm not planning to get married, actually. Maybe one time again. सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी हमारी फेवरेट ब्यूटीफुल गॉर्जियस डिज़ाइनर एमी बिलिमोरिया को, जो ना सिर्फ हम सबको खूबसूरत बनाती है बल्कि आज आए इस शो में उन्होंने चार चांद लगा दिए. इट वॉज़ वेरी गुड शो बिकॉज डांडिया के दिन चल रहे हैं मुंबई में, ऑलरेडी त्यौहार इतने जोर शोर से मनाया जा रहा है, और आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर जो सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ डांडिया बनाया और उन सब ने जो परफॉर्म किया, ना सिर्फ कैटवॉक की बल्कि डांस के स्टेप्स भी किए, एंड वी लव्ड इट. ऑफ कोर्स मैंने आज रेड कलर इसीलिए पहना बिकॉज इट वाज द थीम दैट वेडिंग डे. आई टोल्ड मानसी आल्सो टू वेयर समथिंग, एंड शादी के दिन तो ऑफ कोर्स याद आ गए. ऐसे लग रहा था कि सबको पीछे मेरी तरफ से एमी
बिलिमोरिया को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. बहुत ही अच्छा शो था, बहुत ही खूबसूरती से एक एक मॉडल और एक एक एक्टर तैयार हुए थे. सभी बहुत खूबसूरत लग रहे थे दूल्हे और दुल्हन के गेटअप में, और दिन भी उनके लिए काफ़ी खूबसूरत और फेस्टिवल का माहौल है. तो मेरी तरफ से काफ़ी ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद, एंड मैंने बहुत बहुत ज़्यादा